सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी NS के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अपनी NS 200 की सर्विस कराने वाले हैं, तो अभी मैं ले जा रहा हूँ अपनी NS 200 को सर्विस के लिए। और उसके साथ मैं आपको बताया था कि एक इशू भी आ रहा है, हमारी बाइक थोड़ी मिसिंग मार रही है, तो उसको भी चेक करवाएंगे। तो अभी चलते हैं सर्विस सेंटर। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अपने NS 200 की सर्विस कराने वाले हैं, तो हम वहीं जा रहे हैं सर्विस सेंटर। इंजन ऑयल में डलवाता हूँ मोटिव का 7100। अभी आप देख सकते हो भाई 24,000 के आसपास किलोमीटर हो चुके हैं इसके, और लास्ट सर्विस हमने कराई थी भाई 20,000 के आसपास, 4,000 के आसपास चल चुकी है ये। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर अ सर्विस, क्योंकि यार मोटिव का फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल काफ़ी सही चल जाता है। और अभी एक मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है हमारे NS में, तो ये अच्छा इंजन वाला आप आराम से 4-5,000 चला सकते हो, बट 4,000 तक करा लिया करो। और यार 1.5 लीटर में लिया करो, क्योंकि जब थोड़ा सा बच जाता है तो आप रिफिल कर सकते हो उसको। थोड़ा सा भाई इंजन ऑयल कम भी हो जाता है जब आप लॉन्ग टूर करोगे या लॉन्ग जाओगे, तो हमारा अभी थोड़ा इंजन ऑयल कम हो गया था। यहाँ पर वार्निंग आ जाती है, अभी आ नहीं रही क्योंकि मैं भगा नहीं रहा, अगर मैं भगाऊंगा तो यहाँ वार्निंग आ जाएगी इंजन ऑयल कम होने की। तो वो इस तरह हो गया जैसे जब मैंने अपनी सुपर बाइक ली थी डुगाटी, तो उससे पहले मैं 4-5 बार भाई दिल्ली के चक्कर लग गए थे मेरे, कभी कोई सी बाइक देखने जा रहा हूँ कभी कोई सी, मतलब ये मान लो हर संडे का हो गया था भाई दिल्ली जाना। तो अभी ये वाली की टेस्ट राइड लेनी है अभी ये वाली की, तो फाइनल में जाके हमने डुगाटी मोन्स्टर 821 ले ली। मैनी टाइम्स हम उसी दिन गए थे दिल्ली, उसी दिन आए थे, तो 300 किलोमीटर की राइड हो जाती थी, 300-350 किलोमीटर की, वो हर वीक का हो गया था भाई। और मैं बहुत बार गया वहाँ पे, आपने डेटोना वाला ब्लॉग भी देखा होगा, डेटोना एंड G900 वाला, तो हर टाइम मैंने ब्लॉग नहीं बनाया यार। उसके बाद से अब सर्विस बोल सकते हो जल्दी आ गई है, मतलब टाइम जल्दी पूरा हो गया है, बट किलोमीटर हो चुके हैं, तो हम सर्विस कराने जा रहे हैं इसकी। वो मिलता हूँ मैं सर्विस शॉप पर। तो यहाँ पे हम करवाने वाले हैं सर्विस अपनी बाइक की। Take me to a world of silver, no more high.
सो गाइस हमारी बाइक की सर्विस हो चुकी है कंप्लीट, और जो मिसिंग का इशू था वो भी सही हो चुका है। तो आप देख सकते हो वॉश भी करवा ली हमने। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, अगर आप अलवर से हो तो यहाँ आ सकते हो सतलज ऑटोमोबाइल अपनी बाइक की सर्विस के लिए। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। अभी मैं आपको इशू बताता हूँ क्या था। हाँ भाई अब नहीं मार रही बिल्कुल भी मिसिंग, अब आ रहा है भाई चलाने मज़ा, भगाने का ही मन नहीं कर रहा था जब मिसिंग मार रही थी। तो कोई भी आप कांस्टेंट आरपीएम पे एक ही आरपीएम पे रखोगे तो झटकर से मार रही थी बहुत सारे, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हुई होगी काफ़ी बार। उन्होंने सीडीआई भी चेंज करके देखी बट सीडीआई सही थी, एंड उसके बाद स्पार्क प्लग चेंज करके देखे बट स्पार्क प्लग भी सही थे, चेंज नहीं करे मतलब देख लिए थे। और फिर हमें पता लगा जो लेफ्ट साइड वाली इग्निशन कोयल होती है वो ख़राब है, क्योंकि हमने दूसरी एनएस की लगा के देखी थी। फिर हमने वो वाली इग्निशन कोयल नहीं डलवा ली, तो उसके बाद भाई कोई इशू नहीं है। डैम ब्रो अब आ रहा है मजे चलाने में भाई। ये बड़ी, तो अगर आपकी एनएसपी मिसिंग मार रही है तो यार दो तीन प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपका स्पार्क प्लग ख़राब हो या फिर आप सीडी चेक कराओ। और कार्बोरेटर हमने ऑलरेडी क्लीन करवा लिया था कि मिसिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगी। और यार इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से नहीं पहुँचता स्पार्क प्लग्स में, तो कॉल करता ही सारी प्रॉब्लम्स। अभी तुम्हारे भाई ने सर्विस सेंटर जाना बंद कर दिया है, मतलब जो कंपनी वाले सर्विस सेंटर होता है वहाँ नहीं जाता, एक बाहर से सतलज ऑटोमोबाइल है मैं वहाँ जाता हूँ। अगर आप अलवर से हो तो जा सकते हो वहाँ पर। भाई आप कभी भी नॉर्मल सर्विस कराने जाओगे ना एनएस की, तो कोई ना कोई खर्चा आ ही जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा कोई ना कोई पार्ट ख़राब हो ही जाता है। एंड अब की बार भी आप देख सकते हो ये मिसिंग वाली प्रॉब्लम आ गई। वैसे मेरी सर्विस यार 1800 तक की बैठ जाती है, एयर फिल्टर चेंज करके ऑयल फिल्टर नया डाल के, एंड मोटिव का इंजन ऑयल 1100 रुपये का पड़ा मुझे। तो ये वाली सर्विस वैसे मुझको 1800 तक पड़ जाती, बट कोयल आई है हमारी वो अराउंड 400 रुपये की पड़ी मुझको। तो बोल सकते हो भाई 2200 के अराउंड लग गए इसके सर्विस में, बट कोई नहीं यार हमारे एनएस सही हो चुकी है। दिस इज ऑल मैटर। तो 2500 तो भाई एनएस की सर्विस पहुंच रही है। अब हाई आर पी एम मज़ा आ रहा है भाई इसको खींचने में यार। ब्रेकिंग हमारे पास है ही अच्छी, 320 mm के डिस्क हैं आगे। अगर मुझे आप अभी स्टॉक वाली नस दोगे यार तो उस पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मुझे। एक तो उसकी आगे से स्टेबिलिटी नहीं अच्छी हो चुकी है यूटी फॉक्स के डलने से। RS का स्पॉकेट हमने डाल ही रखा है, इतना अच्छा एक्सेलरेशन मिल रहा है हमको। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि भाई एग्जॉस्ट में क्या कर रखा है। तो देखो वैसे तो अपना स्टॉक ही है एग्जॉस्ट, बट हमने इसको डीकेट कर रखा है, मतलब अंदर का कैट निकाल रखा है बाहर, और थोड़ा सा होल भी मोटा कर रखा है जिससे थोड़ी और लाउड हो चुकी है स्टॉक में ही, और नहीं बहुत स्टॉक से तो बहुत लाउड है ये। और आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने की भी सोच रहा हूँ यार मैं कुछ टाइम में, ड्यूल कैन वाले पीछे। तो यार इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, अगर आपके बाइक में भी मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है
और यार मोटिल का इंजन ऑयल डलवाया करो, बहुत सही परफॉर्मेंस है। अगर आप गाड़ी भगाते हो हाई आर पे तो फुल सिंथेटिक वाला ऑयल डलवाया करो। बजाज का जो ऑयल आता है वो मिनरल ऑयल होता है, मतलब फुल सिंथेटिक नहीं होता,